हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल शाहटेक। शाहटेक पर आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए एचपी का लैपटॉप। जी हाँ, एचपी का कमर्शियल लैपटॉप है जिसका मॉडल नंबर है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो कोई भी रहेगी आपको फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मिलती रहेगी। तो गाइस, यहाँ मैं लेके आया हूँ आपके लिए एचपी का लैपटॉप, एचपी कमर्शियल 255। ओके, 255G8 मॉडल है। ओके, और इसमें प्रोसेसर जो मिलता है हमें एएमडी का Ryzen 3 प्रोसेसर मिलता है। गाइस, Ryzen 3 प्रोसेसर जो के मॉडल सीरीज है Ryzen की, 3300U प्रोसेसर है, यानी कि 3300, यानी कि 3300U प्रोसेसर है। 3300U प्रोसेसर है गाइस, और बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर है, काफी अच्छा परफॉर्म है इस लैपटॉप का गाइस। तो अब आपके सामने लेके आता हूं मैं एचपी का लैपटॉप अनबॉक्सिंग के लिए। तो गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मेरा वीडियो पूरा देखें गाइस। काफी अच्छा लैपटॉप है, काफी पावरफुल के साथ है, और इसमें क्या क्या मिलता है इसके लिए मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप उसको चेक इन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज, चलिए बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो गाइज आपने देख लिया, ये एचपी का एएमडी प्रोसेसर के साथ है, Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ है। नाउ आई विल ओपन दिस बॉक्स। गाइज, मेरे वीडियो को वॉच करिएगा एंड तक, ओके, जिससे कि आपको इसके सारे फीचर्स फंक्शन के बारे में, सारे डिटेल्स के बारे में आपको मालूम रहेगा। चलिए गाइस, लैपटॉप अब अनबॉक्स हो चुका है। देखिए, मैंने लैपटॉप को पेन से कटर ऑफ किया है। ओके, चलिए, यहां पर निकल आया लैपटॉप हमारा, बाहर आ गया है। यहां पर हमें मिलता है गाइस एचपी का कुछ मैनुअल गाइड मिलता है, और हमें एक साइड में मिल जाता है एचपी का अडेप्टर, मीन्स चार्जर मिल जाता है। गाइस, नाउ सी दिस चार्जर, 65 वॉट्स चार्जर विद एचपी ब्रांड लोगो। इज दिस एचपी लोगो एंड एचपी हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय चार्जर विद एचपी लैपटॉप। तो गाइस, इधर 65 वॉट्स का चार्जर मिलता है, एक हमें पावर केबल मिलता है, और अब लगाया जाता है मेरा लैपटॉप। देखते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देता है, यहाँ पर सील्ड पैक है, कभी भी आप बाइंग कीजिएगा तो ये सील्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये मैनुअली गाइज बुक्स है, आप इसको देख सकते हैं किसी भी तरीके से बाद में। चलिए गाइज, अब हम इस लैपटॉप को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अंडे की क्रेट जैसे होती है ना, एग क्रेट, उसी की तरीके से ये मिलता है हमें। चलिए गाइज, अब हम इसको पॉलिथीन से आउट कर लेते हैं। ओके, ये मैंने इसको पॉलिथीन से आउट कर लिया है। फाइनली अब हमारा लैपटॉप हमारे हाथ में आ चुका है। वाह, काफी अच्छा लुक है, ग्रे कलर का लैपटॉप है। सेंटर में हमें मिलती है एचपी की ब्रांडिंग, ग्लॉशी लोगो दिया हुआ है कंपनी ने। ओके, और मैट फिनिश लुक है लैपटॉप का, मैट फिनिश लुक है, मतलब मैट फिनिश पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है। देखिए गाइज, यहाँ पर हमें साइड में मिल जाता है एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, वो सॉरी साउंड 3.0 3.5 mm का साउंड जैक, और लैन पोर्ट विद HDMI पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलती हो गया। और यहाँ पर मिलता है हमें चार्जिंग पोर्ट एंड 3.0 USB जैक, एक और हमें मिल जाता है 3.0 USB जैक। तो 2 USB जैक हमें इस साइड में मिलते हैं, टाइप सी पोर्ट मिलता है विद लैन पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर हमें मिल जाता है माइक्रो SD कार्ड, बिग कार्ड, काफी बड़ा कार्ड रीडर के लिए माइक्रो SD कार्ड है। जैसे कि देख सकते हैं लैपटॉप काफी ठीक ठाक दिख रहा है। ओके, यहाँ पर पीछे हमें बैक साइड में मिल जाता है वेंटिलेटर, यानी कि एयर कूलिंग सिस्टम, और पैनल के नीचे ही मिलती है हमें एचपी की कुछ ब्रांडिंग, जो कि मॉडल नंबर लिखता है यहाँ पर, दर्शाता है लुक वाइज मॉडल नंबर HP कमर्शियल 255G8। और यहाँ पर हमें मिल जाता है पैनल के नीचे रबर ग्रिपिंग, काफी हैवी रबर ग्रिपिंग मिलता है दोस्तों। और अब मैंने इसके फ्लैप को ऊपर कर दिया है गाइस, तो काफी ठीक ठाक लैपटॉप है।
इसका कलर जो है इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा आपको, ग्रे कलर दिख रहा है। मल्टी कैचर टच पैड है, लेफ्ट राइट क्लिक है इसके, ओके मल्टी कैचर टच पैड के साथ दिया है। यहाँ पर न्यूमेरिक कीबोर्ड मिल जाता है और हमें नैरो वेजल डिस्प्ले मिल जाता है गाइज, और यहाँ पर मिलता है हमें टॉप पे कैमरा मिल जाता है गाइज। यहाँ पर जो हमें कैमरा मिलता है HD कैमरा है, डुअल माइक के साथ है गाइज, ओके। यहाँ पर राइजन 3 प्रोसेसर मिलता है हमें गाइज, इसके अंदर राइजन 3 प्रोसेसर 3300U प्रोसेसर, यानी कि 3300U प्रोसेसर है। 4GB रैम है गाइज और 512GB इसमें NVMe SSD है M.2, ओके। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा क्योंकि NVMe SSD के साथ है और इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिल जाता है। यहाँ पर हमें मिल जाता है पावर ऑफ स्विच मिल जाता है, यहाँ पर कुछ सर्विस सेंटर का टोल फ्री नंबर है जिससे कि कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आती है यू विल कॉल नाउ द HP कंपनी, माफ करना। और यहाँ पर हमें मिल जाता है विद एंटी क्लेयर डिस्प्ले, तो काफी अच्छा एंटी क्लेयर डिस्प्ले मिलता है यहाँ पर। लैपटॉप का लुक ओवरऑल ठीक ठाक है, मैनेज है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। गाइज इसमें अगर रैम हम इंस्टॉल करना चाहेंगे तो 16GB रैम सपोर्टेबल है। तो गाइज कुल मिला के लैपटॉप ठीक ठाक है। थैंक यू वेरी मच, और मैं आपके लिए नए नए वीडियोज लेकर आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।